11, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। द रिएक्शन ऑफ एचबी आग, द रिएक्शन ऑफ एचबी आग विद द फॉलोइंग कंपाउंड वुड प्रोड्यूस। इसमें सबसे पहले आपको ये करना है HBr के साथ रिएक्शन करवाना। अब जब भी हम HBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इसका मतलब एल्कीन को हम लोग क्या करेंगे, एल्कीन को, एल्कीन पे हम लोग क्या जोड़ते हैं, बियाग जोड़ते हैं। और बियाग यहाँ पे किस हिसाब से जुड़ेगा, मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, मार्कोनिकोफ रूल, मार्कोनिकोफ। और मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग यदि हम लोग देखें तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि आपको दिया हुआ है यहाँ पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ क्या आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और ये आपका क्या बन गया यहाँ पे, फिनॉल। अच्छा, मैंने इस डायरेक्शन में ही क्यों इसको जोड़ा, यहाँ पे ही क्यों मैंने इसको शिफ्ट किया, इधर की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी शिफ्ट कर सकते थे हम, लेकिन हमें स्टूडेंट को ये बताना है जो कार्बोकैटायन यहाँ पे बनेगा वो किसकी वजह से स्टेबल होगा, प्लासेन ग्रुप की वजह से स्टेबल होगा, ये स्टेबल बनेगा। और स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना ही मार्कोनिकोफ रूल का ये कहता है कि जहां पे स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है बीआर का एडिशन भी उसी पोजीशन पे होगा। ठीक है, यहाँ यदि हम लोग देखें तो बीआर का जो पोजीशन है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इस वजह से इसमें जो सही आंसर आना चाहिए दैट विल बी द आंसर बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे तो H प्लस जुड़ी जाएगा क्या, तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो बी ऑप्शन इसमें क्या आएगा, करेक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं। अच्छा, मैकेनिज्म के बारे में यदि पूछा जाए तो मैकेनिज्म कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये आपका मैकेनिज्म है।